अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा में एक विधेयक लाया गया है चुनाव सुधार से संबंधित, और अब कहा जा रहा है कि इस विधेयक के पास होने के बाद आपके आधार कार्ड से आपका पहचान पत्र जोड़ दिया जाएगा, वोटर सूची को आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और इसको लेकर आपने देखा है कि विपक्ष ने हंगामा भी किया हुआ है, और कई लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लोगों से वोट का अधिकार छीनने का सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो इस विधेयक के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे आज। और वैसे आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है, किसी मुद्दे को लेकर किसी पर कानून बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाना होता है, और जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तब तक इसे आप लोग विधेयक कहते हैं, और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति साहब की सहमति मिल जाएगी तो एक कानून बन जाएगा। और वैसे आपको जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं, वैसे तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, अभी जो वर्तमान में सत्ता में जिस भी पार्टी की सरकार है उसके पास लोकसभा में बहुमत है, और वो किसी भी प्रस्ताव को आसानी से पास करवा लेती है। तो अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आया हुआ है तो आराम से वो प्रस्ताव पास भी हो जाएगा और कानून भी बन जाएगा। और वैसे भारत में आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हर साल चुनाव होते रहते हैं किसी ना किसी राज्य में, और मुझे नहीं लगता है कि कोई राज्य ऐसा कोई साल ऐसा छूटता हो जिसमें हमारे देश में चुनाव ना होते हो। तो देखिए, हमारा प्यारा भारत है, और पड़ोसियों को देख लीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से लेकर आप देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि लद्दाख से आप देखेंगे तमिलनाडु तक, यहाँ आप लोग गुजरात से जाइए अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हमारा देश, समझ रहे हैं। तो इस विधेयक के बारे में एक विस्तार चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब तो आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है ही, और वैसे भी भारत के नागरिक हैं अगर आप लोग, तब भी मुझे लगता है कि इस तरह का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आजकल मैं एक और देखता हूँ कि देखिए, हमारे देश का मतदाता हो या आम जनता हो, वो इस तरह के टॉपिक से बड़ी अछूती रहती है, उसे सच्चाई मालूम ही नहीं रहती है, क्योंकि मीडिया इस तरह से बढ़ चुकी है कि जो एक मीडिया का हिस्सा ऐसा है जो सरकार की बाह्य एक तरह से आप सोचिए पक्ष लेता रहता है, और कोई अगर इस तरह का कानून प्रस्ताव आ रहा है तो उसकी कमियां दिखाएगा ही नहीं, और एक दूसरा विपक्ष का मीडिया ऐसा है कि आप देखेंगे कि उसके द्वारा सरकार की आलोचना ही की जाएगी, सरकार की कमियां ही दिखाई जाएंगी, उस कानून की कमियां ही बताई जाएंगी, अच्छाइयां दिखाई ही नहीं जाएंगी। तो आम जो भी व्यक्ति होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई से पर्दा तो उठना चाहिए ना। और यहाँ लोकसभा राज्यसभा की बात हुई है तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। वैसे पहली बार अगर हम बात करें कि लोकसभा की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 में पहली बार आई हुई थी, स्थापना हुई थी, एक तरह से अस्तित्व में आई हुई थी। और वर्तमान में अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 सीटें आपको देखने को मिलेगी, और याद रखिए जो लोकसभा सदस्य होते हैं ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनते हैं, अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का चुनाव आप लोग करते होंगे। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप राज्यसभा देखते हैं तो राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो ये पहली बार कब आई थी, 3 अप्रैल 1952 में, और राज्यसभा में आपको 245 सदस्य देखने को मिलेंगे, 245 सीटें या सदस्य या मेंबर देखने को मिलेंगे। इसमें से 233 तो आपके जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, 233 सदस्यों को एमएलए या विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा जरूर। हाल ही में लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है, और यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर कई आपत्तियां जताई हुई हैं, और मुझे लगता है विपक्ष का एक काम ही रहता है कि कोई सही हो या गलत हो वो जताते रहते हैं, और आज की सत्ता जो उस पार्टी है वो भी यही काम करती थी, इसमें कोई आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।
अगर हम लोग इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं की बात करें, और मुझे लगता है कि इन विशेषताओं के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, तो निर्वाचक नामावली का डी डुप्लीकेशन या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके। और इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना है। देखिए एक बात और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होता है और आप लोग किसी नई बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो वो एक मिनट में बता देता है कि आपका अकाउंट किस किस बैंक में है, आधार कार्ड के जरिए और पैन कार्ड के जरिए। और सरकार भी ये पता कर लेती है पैन कार्ड से कि आपके अकाउंट कितनी बैंकों में है, अगर आपका पैन कार्ड लिंक है सभी बैंकों से। तो सरकार भी यही काम कर रही कि अगर आधार कार्ड से मतदाता को अगर लिंक कर दिया जाता है तो ये मालूम चलेगा कि इसके ये कहां कहां वोट डाल रहा है। फर्जी आप देखते हैं ना कि मतदाता एक तरह से मतदाता पहचान पत्र बनवा लेता है और वो यहां भी दूसरी जगह भी वोट डालता है और कहीं भी वोट डालता है। तो इससे क्या रहेगा कि आपके पास एक ही वोट रहेगा और अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो एक ही जगह से चुनाव लड़ पाएगा। सरकार के पास इसके साक्ष्य भी रहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और इससे सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी। और यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत और लोक शिकायत कानून तथा न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 150वीं रिपोर्ट के अनुरूप है विधेयक। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स, नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जनवरी को क्वालिफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है। और विधेयक के अनुसार वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिए 4 क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। और वैसे आप देखिए कि हमारे देश में सभी के पास लगभग आधार कार्ड बन चुके हैं, तो आपके पास आधार कार्ड रहेगा तो आसानी से आप लोग मतदाता सूची में भी अपना नाम जुड़ा पाएंगे, ठीक है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लैंगिक तटस्थता लाना, सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी से बदल दिया जाएगा और यह कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बना देगा। और सेवा मतदाता वे हैं जो सशक्त बलों में सेवारत हैं और इसके बाहर राज्य के सशक्त पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है, सेवा मतदाता की बात हो रही है इसमें। अब देखिए इसके फायदे तो बता दिए, अब चिंताएं भी हैं कुछ, और आप सभी लोग जानते भी हैं इस बात को कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसी तरह कोई भी कानून आता है तो उसके फायदे भी बताए जाते हैं, नुकसान भी बताए जाते हैं, तो इसकी चिंताएं भी देख लीजिए। आधार अपने आप में अनिवार्य नहीं है। वर्ष 2015 में आपने देखा होगा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, उसमें उसके बाद मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के कदम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके एक कह दिया था, साफ कर दिया था कि आप चाहें तो आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करवा सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि बैंक में अगर आप लोग जाएं और आपसे अगर कहा जा रहा है कि नहीं आधार कार्ड जरूरी है, तो वहां आप लोग साफ साफ कह सकते हैं कि हमारे महान उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कर चुका है कि आधार कार्ड आपका जरूरी नहीं रहेगा अगर आपको किसी सेवा का फायदा लेना है। और उस समय यह माना गया था कि आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक होगा, यानी कि लोगों पर डिपेंड करेगा, वो चाहें तो आधार कार्ड को दे सकते हैं और आधार कार्ड को अगर वो चाहें तो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आधार का मतलब केवल यही था कि यह निवास का प्रमाण पत्र है या नागरिकता का नहीं, निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, नागरिकता आप लोग देखते हैं भारतीय नागरिक हैं, और निवास आप लोग लोकल का देख लेते हैं कि आप इस राज्य से निवास करते हैं, उस राज्य से निवास करते हैं, यहां से निवास करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क भी आप लोग याद रखा करिएगा। बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का भय इससे सता रहा है, और इसमें ये भी चिंता भी जताई जा रही है। विधेयक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आवेदक की पहचान स्थापित करने हेतु मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक आवेदकों के आधार पर नंबर मांगने की अनुमति देता है,
और आधार के अभाव में सरकार कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित करने और नागरिकों की प्रोफाइल बनाने के लिए मतदाता पहचान विवरण का उपयोग करने में सक्षम होगी। अब आप लोगों को समझ में आया जो लोग कह रहे हैं कि सरकार मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तब मेरा क्या होगा? मुझे तो वोट नहीं देने का अधिकार नहीं मिलेगा ना, अगर मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड से एक तरह से कनेक्ट नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, तो हम तो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। यही इस पर चिंता जताई जा रही है। लेकिन अभी जो विधेयक कह रहा है, सरकार कह रही है कि ये स्वैच्छिक है, अगर कोई मतदाता चाहे तो जुड़वा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं जुड़वा सकता है। लेकिन आगे पता नहीं क्या अनिवार्य कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। डेटा संरक्षण कानून का अभाव, और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एक मजबूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून, इस संबंध में एक विधेयक को संसद द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई कि अभाव में डेटा साझा करने की अनुमति देने का कोई भी कदम समस्या उत्पन्न कर सकता है। आप में से कई लोगों ने कई बार मुझसे पूछा भी है कि व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, जब कहते रहते हैं सरकार इतनी चिंता करती रहती है, हम आप भी करते रहते हैं। तो एक सिंपल, एक तरह से साधारण उदाहरण आप लोग समझिए। आप लोग सभी फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, आपके पास एटीएम कार्ड होगा, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पास वो सूचना पहुंचे। अगर वो वही उसे ही एक तरह से आप डेटा कह लेते हैं, अगर वो डेटा आपसे किसी और ना पहुंच जाता है, किसी और के पास पहुंच जाता है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आप दोनों के बीच किसी के बीच एक तरह से बात हुई है मैसेज के द्वारा या आपके कॉल के जरिए, अगर वो कॉल तीसरा कोई रिकॉर्ड कर लेता है तो आपके बीच की व्यक्तिगत जानकारी हुई ना, व्यक्तिगत डेटा हुआ ना वो, या एटीएम कार्ड का पिन नंबर या एटीएम कार्ड नंबर अगर किसी और के पास पहुंच जाए, तो इसी को एक तरह से आप लोग डेटा कह लेते हैं, व्यक्तिगत डेटा, समझ रहे हैं। और निजता संबंधी चिंताएं भी जताई जा रही हैं। वर्तमान में चुनावी डेटा को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने डेटाबेस में रखा जाता है और जिसकी अपनी सत्यापन प्रक्रिया होती है, और यह नहीं, यह अन्य सरकारी डेटाबेस से बिल्कुल अलग होती है। और हाल में ही आप देखेंगे तो आधार और चुनाव संबंधी डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लिंकेज ECI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को डेटा उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो आधार कार्ड है आपका, जिसे आप लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो बनाता है, ये और आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच डेटा का एक तरह से आदान प्रदान होगा, तभी तो इस तरह का लिंक हो पाएगा और ऐसे नागरिकों की निजता का हनन हो सकता है। ये कहा जा रहा है, ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे निजता का अधिकार है ना, उसका हनन हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और सरकार का क्या रुख है, सरकार क्या कह रही है इस पर? सरकार ये कह रही है कि ये स्वैच्छिक लिंकिंग है, यानी कि आधार और चुनाव डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लिंकेज स्वैच्छिक है। यानी कि आधार और चुनाव जो मतदाता जोड़ने की बात हो रही है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगी, मतदाता की इच्छा पर निर्भर करेगी। अगर आप चाहें तो जुड़वा सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं जुड़वा सकते हैं, ये सरकार के द्वारा साफ कहा जा रहा है। मताधिकार से वंचित होने का कोई जोखिम नहीं है। सरकार क्या कर रही, आपसे आपके वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किए गए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, और किसी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता की स्थिति में मतदाता सूची में कोई भी प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी। यानी कि इनका सरकार का सीधा सा कहना यह है कि अगर हम लोग मतदाता जब भी जुड़वाते हैं नाम, तो उस समय आपको आधार कार्ड अगर आप लोग नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तब भी आपका मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा और आपको वोटर बनाया जाएगा। इस सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। आगे क्या होता है इसमें, आगे आप सभी लोग देखेंगे। व्यापक कानून की आवश्यकता, एक त्रुटि मुक्त मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य होती है, और यह भी सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे ताकि संसद में इस मुद्दे पर उचित चर्चा हो सके। और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, विधेयक में दो डेटाबेस के बीच डेटा साझाकरण की सीमा, ऐसे तरीके जिनके माध्यम से सहमति प्राप्त की जाएगी, और क्या डेटाबेस को जोड़ने के लिए सहमति रद्द की जा सकती है, जैसी बातों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और साफ बता देता हूं, मैं कई क्षेत्रों को ऐसा जानता हूं कि जहां मैंने देखा है
कि लोगों के दो दो जगह आप लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़े होंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी हूं कि आप सोचिए कि वो दो जगह वोटिंग करते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि इस तरह की फर्जी मतदाता जो मतदान का होगा, जो वोटर होंगे वो हट जाएंगे और हर भारतीय के पास एक ही वोट रहेगा। और उसका वो एक चुनाव में आप देखिए कि कहीं आगे अगर आप लोग चुनाव देखें तो उसका वही उपयोग कर पाएगा जहां वो मतदाता सूची में जुड़ा होगा। तो इसके फायदे रहेंगे, नुकसान रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, ये तो और आने वाले वक्त में बताएगा। फिलहाल अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में तो कम से कम पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपको तो सुधार दिखना चाहिए इसमें। और विपक्ष का क्या काम है, सत्ता का क्या काम है, ये मुझे लगता है कि हमारा देश का हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, तो हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए।